अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सानिया मियाँ वाली इस टाइम कोई भी बेखबर नहीं है। उस तो जरा बहुत एक जुल्म वाला वाक्य होया जिस सात दिन की बच्ची नू अपना जालिम बाप इस वजह तो कत्ल कर देना है कि मेरे घर बच्ची क्यों पैदा हुई। आज ऐसा उन्होंने फैमिली मौजूद हाँ जेरी उस जालिम दी घर वाली आई बीवी आई ए उन्होंने भाई हैं यानी कि जन्नत के मामू हैं। हालक तो फैमिली का खुद वीडियो बयान या मौकफ किसी भी चैनल ते नहीं दिठा। काफ़ी लोगों ने जहनी सवालात आन मुख्तलिफ कमेंट नज़र आए। असा एक कोशिश की थी है कि असा फैमिली ने राबता करा इन्हों को पहुँच के असा मौकफ इन्हों का सामने रखा कि मजा के आई पहले के मसला आई कोई लड़ाई झगड़ा आई या यही वजह आई बच्ची या बच्चे का मसला आई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सब तो पहले भाई तुसी तारुफ करा रहे हो के ना है तुहाडा? मेरा नाम कलीमुल्ला खान। अच्छा कलीमुल्ला भाई जेरा जुल्म दा वाकिया होया है तुहाडी भांजी जेरी हां उन्हें छोटी मासूम कली दे नाल इतना जुल्म होया है इस वाकिए दी हर कहीं यही खबर चली है कि बाप नू ये गम आई कि मेरे घर बच्ची क्यों पैदा हुई है। असा ये पहले सवाल कर सा कि वह जरा बच्ची दे वाले साहब हैं वो तुहाडा पहले भी कोई रिश्तेदार आई या तुसा एक गैर कौम दे विच शादी की थी आई? नहीं जी वो बिल्कुल सारे आपने वो मेरा खाला जात समझो के मसेर है मेरा ते उस बाद उसने कोई मसला ही कौन आई ते सारे उन्होंने बड़े अच्छे तलुकात हैं हर हफ्ते भी सारे एक कार बंदा बंदा आना वेना आई ऐसा कोई भी मसला कौन आई। अच्छा जी सब तो पहले एक क्लियर हो गया कि जेरी दे घर इन्हें दी अमशीरा दी शादी हुई आई वो इन्हें दे खाला जात भाई हैं यानी कि सरैकी दे विच आखते हैं इन्हें दी मासी दे पुत्र हैं इन्हें दी अपनी खून आई अपनी फैमिली आई। अच्छा कलीमुल्ला भाई एक और चीज गर्दिश करे नहीं पई है कि क्या वो जेरे वाले साहब अपनी बच्ची नू बेदर्दी दे नाल शहीद कीता है उन्हां दी कोई आपस च बीवी दे नाल पहले कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा इस मसले च या पहले उन्हां कोई आखा आई भाई मेरे घर बच्ची पैदा थी या बच्चा पैदा थे तो मैं उसको मार देता इस तरह की पहले कोई लड़ाई तो आपको हमशीरा डसी है या मौजूदा हूं डसी ने उन्हें इस वाक्य तो बाद? नहीं ऐसा कोई मसला ही कोना बिल्कुल खुश जिंदगी गुजरने पे दो साल हो गए जिस टाइम ये वाक़े थे बच्ची समझो कि हम घर वालों को थे तो उस बाद बच्ची पैदा थी तो बाद उन्हें कि मेरे बेटा पैदा क्यों नहीं था तो जे वजह तू आके मेरी बेटी ना हो तो उस बेटी को मार हटा भी मेरा बेटा पैदा क्यों नहीं था। अच्छा कलीमुल्ला भाई जिस टाइम तो असा हमशीरा तारी ने शादी हो ये रिश्ता होया कितना अरसा हो गया इस गाल को शादी को कितना अरसा हो गया? दो साल होने वाले। अच्छा ये होना दी यानी कि पहली औलाद आई? जी सर पहली औलाद आई उन्होंने। अच्छा एक और चीज खबर गर्दिश कर रही है कि जेरे भाई होना मकसद जेरा जालम आई भाई तो उसको आखना ही नहीं चाहिए जेरा जालम आई तुहाडा भनोई आई उसी पहले भी कितनी शादी थी हुई आई या पहली शादी आई? ये पहली शादी आई। अच्छा कलीमुल्ला भाई एक और चीज तुहाडे को सवाल कर सा कि जेरा वो जालम शाहजेब नामी बंदा आई उसकी एजुकेशन कितनी आई? उस एफ एस सी की थी एफ एस सी करके तो उस बाद उस कोर्स किया इतने मियाँ वाली अस्पताल ने बेचे लेबॉरेटरी ना लेबॉरेटरी अटेंडेंट ने या डिस्पेंसरी ना कोर्स किया? जी भाई। अच्छा कई लोग आखदा पे पहले डिप्रेशन का शिकार हैं सारे नाल मौजूद हैं सारे बहुत अच्छे तजिया निगार मतीला भाई ने दी फैमिली नाल उन्होंने भाई नाल भी गल हुई वो आखने नो पहले कोई जहनी मिंटल भी आई तुसा इसने बारे क्या आखसो मकसद है कि कई लोगों ने जहनी सवाल उसी को मिंटल तो नहीं? नहीं भाई पहली गल तो यही कि अगर वो मेंटल हो गया ठीक है अगर सबको इस चीज़ ने पता हो गया तो सिस्टर हाथ न देवा ना ठीक है वो सारे अपने घर ना बंदा आई उसको कोई ऐसा मसला भी कोई उस मैट्रिक की थी तो ए ग्रेड की थी उस एफ एस सी की थी तो ए ग्रेड की थी उस अस्पताल चाहिए तो अच्छे मार्क्स ना उस जेरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट की थी ऐसा कोई भी मसला को नहीं बिल्कुल ठीक आई वो। अच्छा वो कोई मंशियात कोई नशा कोई शराब नोश ये जो काम करता है तुम्हारे को खबर कोई हमशीरा होना तुम्हारी दसो या तुम्हारे आप को मालूमात हो कोई मंशियात वगैरह भी करता? नहीं कोई चीज़ भी नहीं करना बिल्कुल ओके आई। अच्छा एक और चीज़ कि उसकी पहले इस तरह एक जहनी डिस्टर्ब होता है या कोई भी बंदा उन्हें डिप्रेशन शिकार उसकी अक्सर लड़ाइया होंगे महल्ले के इलाके इस तरह की उसकी कोई लड़ाई हो किसी के नाल कोई भी उस पहले लड़ाइया होंगे इस तरह का भी कोई उसके वाकया होया? नहीं भाई कोई चीज़ ही नहीं बिल्कुल यानी को बिल्कुल एक जिस तरह आम शहरी होता है पढ़ा लिखा लिबरल जिस तरह शरीफ उस तरह दो शहरी है उसे कोई ऐसा जहनी इम्पैक्ट कौन है? कोई चीज़ भी नहीं थी। भाई कलीमुल्ला खान तो के नहीं हमशीरा को शिकायत की थी लड़ाई झगड़े नहीं या कोई मसाइल नहीं? नहीं भाई कहीं भी उसका कुछ शिकायत नहीं की थी। तो हमशीरा क्या आखनी है भाई इस क्यों बच्ची को
चांद दिहाड़ा नहीं क्यों मार छोड़े कोई तो खमशीरा कोई गलत रसी हो सी बस ये रसी क्यों जिस टाइम बच्ची पैदा थी है तो आखना कि मेरा बच्चा पैदा क्यों नहीं था उस बुनियाद तो बच्ची उस माँ ने फीड करने लगी पई आई तो उस जालिम इंसान पहले उस खास के मारे सले फरोश थे उसको बाद उस पांच राउंड मार गया। अच्छा तो आधी जारी हमशीरा आई इन्हें अलहदा घर आई या बालों का ज्वाइंट फैमिली होनी है ज्वाइंट फैमिली आई इकट्ठे रहने पे आने। अच्छा तो आधी दी इस टाइम की पोजीशन है वो मकसद है कोई कितना दुख तकलीफ जहनी हाल हो भाई जान असा इस टाइम बयान ना कर सकने कि सारी अज की मैंने टोर ते गया अज उसको मैं त्रै मेडिसिन दे के हूँ उसको मैं सुला के आया उसने एक कंडीशन जिस टाइम उठनी है तो बेहोशती भी नहीं है। अच्छा कलीमुल्ला भाई एक और चीज़ के बाद औकात असा देखने वाकियात घर आई थी घर के सारे बुजुर्ग आते हैं या भाई आते हैं या फैमिली कोई बुढ़े या दादा दादी उन्होंने मुतालबा होना है कि नहीं सानू पुत्र चाहिए इस तरह के कोई वाकयात तो हमशीरा ने दसो हो भाई दूल्हे तो जे उन्हें घर आ लिया उस तो ज्यादा उसकी कोई फुप्पी कोई दादी कोई चाची का मुतालबा नहीं भाई जान ऐसा कोई भी मसला को नहीं ये हूँ जिस टाइम समझो कि अल्लाह पाक उन्हें राजी थे अल्लाह पाक उन्होंने दो साल बाद उला जी नेमत नवाज है तो हूँ उसने जेहन ची आई कि मेरा बेटा पैदा क्यों नहीं देने मेरी बेटी नहीं थे वे मेरा बेटा पैदा थे वे उस बुनियाद उसको उस कत्ल कर छोड़े। ये जमाने जली उतरी याद ताला था ये जितनी सी मजम्मत करो काम में ते असा हुन ये अक्सा गल क्योंकि पुलिस हुन के करे नहीं पई है भाई जान पुलिस तो अपने तरफ एफर्ट करण ते लगी पई है लेकिन साडे आला हुकाम को अपील है वजीर आजम उस्मान बुजार साहब वजीर आला चीफ जस्टिस साहब आर्मी चीफ उन्हों को सारी रिक्वेस्ट है कि इस मुलजम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया वने और कैफे किरदार तक पहुंचाया वने। कातिल ने भाई इन ओई तुहारे रिश्तेदार इन करीबी उन्हें रबता तो किया है रल के बई नपा मुजरम को कि करा वो रबता थे तुहाडा नहीं भाई जान उन्हें कह बंद सारे ने रबता नहीं किया तो उसने जरा करता धरता है उसने भाई सफदर जरा पेट्रोलिंग पुलिस है उसको पुलिस गिरफ्तार करे तो सब कुछ हर शे बयान कर रहे सी। अच्छा नाजरीन इतने दो गल्लां क्लियर थी गई सब तो पहली गल काफ़ी लोगों ने जहनी सवाल आता है कि उसनों कोई जहनी डिप्रेशन आई कोई अनपढ़ आदमी आई कोई जहल आदमी आई कोई भी इस तरह का जहनी सवाल होना है सब तो पहले वो एक एजुकेटेड परसन आई उस को मेडिकल कोर्स भी आई दूजी चीज़ के उस किदा ही किसी के नाल ही आम एक जहनी दबाव वाला बंदा होना लड़ाइया करता फिर होना उस जी कोई मसला ना आई। तीसरा सवाल यह भी क्लियर हो गया कि फैमिली से बाद औकात प्रेशर होना है घर वाली तरफो तक कोई घर कोई जरा मकसद घर का सरबराह होना है जहनी प्रेशर आके घर वाली भिड़ वेना है तो इस तरह का वाक्य अचानक थी वेना है एक कलीमुल्ला भाई जन्नत जे मामू हैं इन्हें तो कहना है कि घर वाल कोई मसला ना आई ना वो पागल आई ना कोई इस तरह उसने खुद एक मसला है कि मेरे घर बच्ची क्यों पैदा हुई और उस इतनी बेदर्दी के नाल इसनों बाप ही मैंने आखसा पता नहीं इसनों बाप ने किस तरह इतने दर्जा बंदा देवे उसने एक बहुत वड्डा जुल्म किया त्रिंता एक जहलियत की जरी आला मिसाल होनी सोचे समझे ये पूरा विलोक कराने का मकसद नाजरीन ये है कि उस पूरे काम सोचे समझे किया है और इन्हें मुतालबा है और नाजरीन इतने दुख की गल एक है कि बाज़ औकात साढ़े मैं कहता कि अगर मेरे घर ही जुल्म होवे तो ये बहुत औखा काम है कि मैं उसके खिलाफ घर वाले बंदे देवा लेकिन नाजरीन हमेशा जेरे लोग हक ते आते हैं जेरे अल्लाह की रजा चाहिए होती है उसकी फैमिली का एक काम हाई और काम हूँ भी है कि जेरे मकसद है कि उन्होंने जेरी भाई है तो उन्होंने भाभी थी और इन्होंने कजन भी इन्होंने मुकम्मल राबते रहा कि इन्हें को आखो ना कि असा उस दरिंदे को लपसा और उसको इंजाम तक पहुँचा सादा भी ये मुतालबा है न्याजी टी वी एडमन मेरा मतीले मुजाहद भाई प्रेस रिपोर्टर हैं इन्हें ही मुतालबा है वजीर आला साहब तो एस एस पी सिरगोदा आई जी पुलिस एस डी पी ओ साहब तो कुछ जल्द तो जल्द गिरफ्तार करके इंजाम तक पहुँचाया मैंने जी मतीले भाई असा भाई लगा कि कौन मिले सारा को बच्ची ने समझ घिन के नाने को मिले चाचा को जितने मामू हैं सारा को मिले तो सारा ने यह मुतालबा है कि जरा कातिल है दरिंदा है जरा इंसानियत तो आ रही है उसको स्पीडी ट्रायल तो गुजार के जल्द अज कम 6 महीने अंदर अंदर सजाए मौत दी वने तो बल्कि फटे लाए वने ये सारे लगा कि ना बल्कि अहले दाऊद खैल ना बल्कि पूरे जिले ने मुतालबा है हकूमत को लो कि एफ आई आर जिमनी ऐसा लिखी वन उनको जल्द अज सजाए मौत लगे क्योंकि एक इबरत निशान बनाए वने असा ये आखना कि सारी जन्नत वापस सामने को नहीं सारी जन्नत लगी गई है ठीक है ना असा आने क्योंकि ऐसा कानून लाया वने जे दस्ती अमल की वने तो जरा मुलजम है जरा भी है या शाहजेब है जरा सा दरिंदा शख्स है उसको इंसान ना कौन हक नहीं बना कि उसको इंसान आखा वने तो गवर्नमेंट को यही अपील करें कोई कानून आवे जरा जल्द तो जल्द केस न
कैफरे किरदार तक पहुंचाओ तो कैसा ना जल्दी जल्दी फैसला थी वे बाजुकात कई केस होने जेरे लंबे थी वे दो साल त्रै साल पांच साल ये तो डिठा डिठाई केस हैं हर कह को पता है वाज हर से सामने आई पी उस बावजूद ही आवाम रोल नहीं बती होनी बस यही है पीले सारी। अच्छा कलीमुल्ला भाई जेरे वाकिया थे है, पूरी कौम इस टाइम परेशान है तो मौजूदा डी पी ओ साहब या एस एस पी सरगोदा साहब इतने या रबता डायरेक्ट तुहाड़े नाल कीता होने नहीं सर कह कोई इतना अहदेदार है जो पुलिस ऑफिसर कोई बंदा ना कहना सर रबता किता है और ना कोई थे कोई बंदा भी नहीं आया वो तो साहब को पता है वो सारी सिस्टर है यकीन मानो कि दूर अड़े थी मैं सिस्टर को डिठा नहीं मेरे को नहीं डिठा थी ना कि मेरी सिस्टर उसने की कंडीशन है मैं लफ्ज ना बयान कर सकना तुम्हारे को नाजरीन ताको जेरा मौजूदा जन्नत मासूम कली दा केस होया है उसी मुकम्मल उन्होंने घर वाले उन्होंने मामू जान ने अपडेट दे दी है पुलिस कित करे नहीं पई मसला क्या है सारे सवाल क्लियर हो गए सादा हूँ मुतालबा है गवर्नमेंट तो कि कम से कम ऐसे जेरे केस होंगे जिस कोई अपनी हमशीरा नू कतल करता है वालदा नू करता है वालिद नू करता है बच्ची नू करता है इस तरह के जितने भी केस हैं ये बाद औकात बहुत जल्द खत्म हो गए क्योंकि खूनी रिश्तेदार उन्होंने खत्म कर देने सारा गवर्नमेंट तो मुतालबा है कि इस तरह के केसों खुद गवर्नमेंट हैंडल करके ये जाए जालमा को सजा दे भाई बिल्कुल खूनी तौर पर तुम्हारी इस टाइम सिस्टर हैं लेकिन वो सारे जितने भी सारे देखा वाले जो मौजूदा तुम्हारा मैं भाई बेटा हूँ सारी भी सिस्टर आई सबको बहुत दुख है लेकिन जरा दुख तुम्हारे तो गुजरना पे सारे दुख जितने वड़े थी वने वो नहीं पहुँच सकना। डी पी ओ साहब तो अपील है कि डी पी ओ साहब ये बहुत वड़ी हौसला अफजाई होनी है मुजरुम को सब तो पहले जल्दी पकड़ा वने दूजा तुम्हारा काम आई इन्हें रबता करके इन्हें को हौसला अफजाई करना कि असं उस तो जल्द फड़ांगे और उसको सजा तक पहुँचावेंगे। नाजरीन इतने प्रोग्राम का सिलसिला असं कलोज कर सीना मौकफ तुहारे सामने बयान कर दिता है हूँ सारी आला इदारा तो अपील है कि मौकफ तुहारे सामने हर चीज़ तुहारे सामने इस खिलाफ जल्द तो जल्द एक्शन किया वे इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी मसला वाक्य थी न्याजी टीवी तुहारे सामने पेश थी दुआव याद रखना।